हाय एवरीवन, वेलकम टू कोटेक सिक्योरिटीज। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। इस वीडियो में हम सितंबर में इक्विटी मार्केट के आउटलुक की बात करने वाले हैं, साथ ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज अभी इसी बात इसे सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहे। तो अगस्त मंथ में हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ ही डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट की क्लोजिंग हुई। द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप इंडाइसेस आउट परफॉर्म द लार्ज इंडाइसेस लाइक बीएसई 30 एंड निफ्टी 50। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स एंडेड द मंथ विद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न्स। तो सभी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को खूब सारी बधाइयां। लेकिन अब सेप्टेम्बर मंथ में क्या होने वाला है, क्या आउटलुक रह सकता है मार्केट का, ये समझते हैं। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से, किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन की टेंशन ने ग्लोबल मार्केट को भी परेशान कर रखा है। हाई एनर्जी प्राइसेस लाइक क्रूड एंड नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं, वो एक की कंसर्न बने रह सकते हैं आने वाले समय में। यूएस फेड का फोकस भी हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर ही अभी टिका हुआ है। फेड ने फर्दर रेट इंक्रीज करने के सिग्नल भी दिए हैं, दैट कुड रिजल्ट इन स्लो डाउन इन यूएस इकोनॉमी एक्टिविटी। Europe is also facing challenges like drought and high energy prices. तो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स अनसर्टेन जरूर लग रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि डोमेस्टिक मैक्रो डेटा इंडियन इकोनॉमी की बेटर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसे PMI कहा जाता है, स्टूड एट 8-month हाई कम्पेयर टू चाइना, यूरोजोन एंड US। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI वॉज स्ट्रॉन्ग। GST रेवेन्यू कलेक्शन में भी सेकेंड हाईएस्ट एवर ग्रोथ रजिस्टर की गई है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव टू 14.2% इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022। ऑन द फ्लिप साइड, द रियल GDP ग्रोथ ऑफ 13.5% सरप्राइज्ड ऑन द डाउन साइड। इंडियन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स में जो रिस्क है वो एक प्रेशर जरूर यहाँ क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इनके अलावा फैक्टर्स लाइक कमोडिटी प्राइसेस मॉडरेशन, डीसेंट मॉनसून एंड ईजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन डू प्रोवाइड सम कंफर्ट, बट हाई एनर्जी प्राइसेस स्टिल रिमेन अ कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया में भी हाई इन्फ्लेशन एक कंसर्न बना हुआ है। अगस्त की में हम देखें तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट 50 basis points रेज किया गया और अब ये 5.4% के लेवल पर है। We expect repo rate at 5.75 to 6% by the end of current year 2022. Q1 FY23 results की बात करें तो earnings in line रहे with our expectations। Q1 FY23 net profits of the BSE 30 index and Nifty 50 index increased 23% Y&Y and 24% Y&Y। The automobile and component साथ ही banking sector reported strong Y&Y growth। High inflation की वजह से consumer staple companies के margin पर pressure जरूर दिखा। The IT services sectors benefited from steady demand aided by digital programs and earlier deal wins. Metal and mining sector performance was impacted due to lower commodity prices. Oil and gas sector की बात करें तो यहाँ पर भी weak performance देखने को मिला था on account of large losses in the case of downstream oil companies. फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमने देखा कि यहाँ अर्निंग्स में डिक्लाइन देखने को मिला है Y&Y बेसिस पर ऑन द बैक ऑफ म्यूटेड US परफॉर्मेंस। वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ Q1 FY23 रिजल्ट्स वाज मार्जिन प्रेशर डिस्पाइट डिसेंट टॉप लाइन ग्रोथ। अब मार्केट के वैल्यूएशन एंड आउटलुक को देखें, सो पोस्ट स्ट्रॉन्ग 40% अर्निंग्स ग्रोथ इन FY22, वी एक्सपेक्ट नेट प्रॉफिट्स ऑफ द निफ्टी 50 इंडेक्स टू ग्रो बाय 10% इन FY23 एंड बाय 15% इन FY24। हमें उम्मीद है कि FY23E में सभी सेक्टर्स के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ रजिस्टर की जाएगी एक्सेप्ट मेटल्स, माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस। हाउएवर, सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स, डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स एंड टेलीकॉम विल लाइकली कंट्रीब्यूट टू द बल्क ऑफ ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट्स। करेंटली निफ्टी 50 इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 21.9x FY23E एंड 19.1x ऑन FY24E। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको सितंबर मंथ में मार्केट का आउटलुक समझने में मदद मिलेगी और साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ट्रेड्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस तरह के और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर कोटेक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल, और आप हमारे बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहते हैं।
So stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.